नमस्कार, माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र में आपका स्वागत है। और आइए हम देखते हैं प्रायोगिक सीरीज में दूसरा, पालक टमाटर का जूस कैसे बनाते हैं। तो पहले तो आपको सावधानी और प्रिपरेशन, मतलब क्या तैयारी, पूर्व तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें देखनी है। तो सावधानी में आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि कहीं इधर उधर चाकू पड़ा है उसके ऊपर पैर आ जाए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मिक्सर जूसर ठीक है कि नहीं है वो देखना है, और चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, ये सब देख करके फिर जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब आपको इकट्ठा करके अपने पास रख लेनी है, जिससे क्या है कि आप तुरंत उसको बना सकें और एक एक चीज़ के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। तो हमारे ये पालक टमाटर के जूस में हमें दो चीज़ चाहिए, पालक चाहिए और टमाटर चाहिए। तो हमने यहाँ पालक ला करके धो करके रख लिया है, टमाटर भी ला करके धो करके रख लिया है। जब हम बनाएंगे तब उसी को काट के भी उसमें डाल देंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आजकल बाहर बाज़ार में जो तरकारी मिलती है वो केमिकल वाली, केमिकल उसके ऊपर छिड़का जाता है, तो उसको अच्छे से धोना है। दो तीन पानी में आप धो लीजिए, या नमक पानी में धो के फिर सादा पानी में दो बार धो लीजिए, और उसके बाद अपने हाथ भी धो लीजिए और उसको अच्छे से काट के साफ़ करके रख लीजिए। फिर टमाटर है उसको भी धो लीजिए, साथ में हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी और सेंधा नमक उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने तैयार किया है दो ग्लास जूस बनाने के लिए। इसमें है पानी और ये पालक, ये टमाटर और सेंधा नमक। तो अब हम तैयार करते हैं पालक को, मिक्सर जूसर में डालेंगे। पालक को इसमें डाल दीजिए, और टमाटर को भी साथ में काट करके उसी में डाल दीजिए। इसे महीन करने की ज़रूरत नहीं है, मिक्सी में पीस जाएगा, तो बड़े टुकड़े करके डाल दीजिए। सर्दियों में पालक बहुत ही अच्छा और बढ़िया मिलता है, सस्ता भी है, इतना महंगा भी नहीं है, और गुण में सर्वश्रेष्ठ है। पालक में विटामिन ए, पानी भी उसमें डाल दीजिए। विटामिन्स बहुत मात्रा में होते हैं टमाटर में भी, और वो रक्त शोधक है, हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करता है, और आँखों के लिए भी अच्छा है टमाटर है, स्किन के लिए भी अच्छा है। बस उसको पानी डाल करके पीस लेना है। बहुत ही सरल विधि है, उसमें कुछ करना नहीं है। बस 30 से 40 सेकंड तक आपको घुमाना है, और साथ में ये भी देखना है कि वो पीसा है कि नहीं, अच्छे से पीस जाए पानी में घुल के, फिर उसको छान लेना है। छन्नी से लेकर के आप सीधा पहले छान लीजिए। को अच्छे से छान लीजिए, और फिर हमारा पालक और टमाटर का जूस तैयार हो गया। अब उसको गिलास में निकाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना है, चुटकी पर नमक पहले मिला लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें भी मिला सकते हैं। और किसी को नहीं नमक चाहिए तो भी चलता है, लेकिन इससे थोड़ा स्वाद बढ़िया होता है।
तो फिर उसमें हाँ देखिए अब ये पालक टमाटर का जूस तैयार है। फिर टेस्ट करके थोड़ा सा देखते हैं। बहुत ही बढ़िया है और बच्चे पालक खाना नहीं पसंद करते लेकिन जूस बहुत मतलब खुशी होकर के पियेंगे। तो ये पालक टमाटर जूस है, हम यहाँ प्राकृतिक आहार केंद्र में 10 रुपये का प्रति ग्लास देते हैं। और हमारे प्राकृतिक आहार केंद्र में किताब भी बनाई है जिसमें सारे बहुत सारे जूस हैं, ये सात्विकता बढ़ाए निरोग रहे, उसमें सारे जूस की रेसिपी है, जो जो जूस हम यहाँ बनाते हैं उसकी रेसिपी है और साथ साथ में उसका गुण भी है, कौन से रोग में उसको उपयोग किया जा सकता है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है, कब पीना है, सब उसमें है। साथ साथ में आपकी जीवनचर्या मतलब हमारा जो रोग आता है उसी के ऊपर है, तो ये भी बनाना इसी में सब आ जाता है। आप चाहे तो खरीद सकते हैं। नमस्कार।